बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना की दवा बाबा रामदेव ने बनाई, लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आया। राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी इस दवा व बाबा रामदेव को सिर पर नहीं नवाजा गया। सरकार की तरफ से कोई बधाई संदेश भी नहीं आया। विश्व समुदाय ने भी गर्दन उठाकर एक बार भी इस दवा के बारे में बात नहीं की। विपक्ष जरूर शोर मचा रहा है, वह रामदेव के बहाने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में लगा है। ऐसे में सवाल पूछना तो बनता है। इसी श्रृंखला में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पीएम मोदी को भगवानों का नेता कहे जाने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आज इस बारे में मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा से फर्स्ट बाइट ने बात की, आइए सुनते हैं। सवाल तो बनता है, जब देश को दिग्भ्रमित किया जाएगा, गलत सूचनाएं दी जाएंगी, अंधेरे में रखा जाएगा, तो सवाल तो बनता है और सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ये कहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देवताओं के भी भगवान हैं, देवताओं के भी नेता हैं, तो सवाल तो बनेगा, सवाल तो उठेगा और सवाल उठना भी चाहिए कि कोई बताए हमको, कोई समझाए हमको कि मोदी जी हमारे इष्ट देवों के भगवान किस प्रकार से हो गए या उनके नेता किस प्रकार से हो गए, तो ये हम पूछेंगे नहीं, इस पर सवाल नहीं करेंगे। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, क्या ये इनसे भी ऊपर हो गए? क्या ये भगवान राम से भी ऊपर हो गए, इनके नेता हो गए? ये सवाल ना करें, किससे करें? अब जब जिसने पूछा है, जो कह रहा है, जिसके लिए कहा है, तो उससे ही पूछेंगे ना। अब इसमें विपक्ष तो आएगा नहीं, ये तो हम पूछेंगे तो जेपी नड्डा से पूछेंगे, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ये सनातन परंपराओं की, ये हमारे देवताओं की ये लोग बेइज्जती कर रहे, नहीं कर रहे, किसकी तुलना कर रहे हैं और हमारे भगवान से तुलना करेंगे? तो इसके लिए तो सवाल बनेगा और प्रश्न उठेगा, और प्रश्न उठना भी चाहिए और आपको प्रश्न करना भी चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, एक और प्रश्न है जो आजकल बहुत मतलब मन में आ रहा है और आम जनता के मन में भी आ रहा होगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि हमने कोरोना की दवाई बना ली। बहुत अच्छी बात है, आयुर्वेद में बहुत सारे प्रावधान है, हो सकता है बना ली हो दवाई, लेकिन अगर उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई है और वैसा मानते हैं और कारगर है, तो इसकी घोषणा तो फिर राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। ये बीमारी जो है मेरठ की नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व की है, पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है। फिर तो पूरे विश्व को दंडवत प्रणाम करना चाहिए था। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे विश्व में विश्वगुरु होते, जब हमारी इस दवाई की घोषणा प्रधानमंत्री करते तो उसका मैसेज पूरे विश्व में जाता, सारे वैज्ञानिक सारे साइंटिस्ट हमारे बाबा रामदेव के दर्शन करने आ जाते यहाँ पर, तो लेकिन ऐसा है नहीं। अब उल्टा होता है, उससे क्या होता है, दो राज्य इसको प्रतिबंधित कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये महाराष्ट्र और राजस्थान इसको बंद कर देते हैं, आयुष मंत्रालय इसको विश्व विज्ञापन तक को बंद कर देता है भाई। तो जब ये चीजें होंगी तो सवाल तो उठेगा ना, प्रश्न उठेगा ना, और सवाल बनेगा और सवाल आपको पूछना भी चाहिए। क्यों नहीं पूछोगे आप सवाल? इसमें चुप होके बैठे रहे, इसमें भी हमको कहेंगे कि हम कांग्रेसी हैं या मैं कम्युनिस्ट हूं या मैं देशभक्त नहीं हूं। अरे मैं देशभक्त हूं, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत होगा, देश को दिग्भ्रमित करोगे तो मैं आम आदमी हूं, मैंने भी वोट दिया सरकार को, हर बार मैं ये कहता हूं। तो सवाल उठेगा तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा और पूछना ही चाहिए।